ओके बोलान आप चौकीदार जी बोल रहे हैं? जैन सर। जैन मैं डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ। जैन सर कैसे हैं? श्रीमान क्या घटना हुई है? मैं देखा सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर देख करके मैं बहुत दुखी हो गया, तो मैंने सोचा आपसे सीधे बात करके पूछूं कि आपके साथ ही क्या क्या हुआ, क्यों आप कान बैठ कर उठ पकड़ करके उठे बैठे, क्यों आप किसी के पैर पर पड़े, क्या मामला है? मैं उसकी सही सही जानकारी चाहता हूँ। यही मत लेकिन सच्ची बात बताइएगा, झूठ मत बोलिएगा। श्रीमान हमारा ड्यूटी सुजापुर मोड़, हमारा नाम गणेश लाल शर्मा, उन्हें बताइए। बोलिए गणेश बाबू जोर से। हमारा नाम गणेश लाल शर्मा, उन्हें बताइए। चौकीदार सर्किल नंबर 19 के लिए हमारा महल सुजापुर है। हम सुजापुर के लिए जा रहे थे अपना बीच पर जो भी पहुँचे उससे पहले 4 सिपाही जयंती का वहाँ मौजूद था श्रीमान। अच्छा मौजूद था तो हम कुछ देखे नहीं, एक गाड़ी वाला उधर से भागा तो हमको जानते भी नहीं है, कुछ देखे नहीं किया है। लेकिन पौने 1 के बीच में कृषि पदाधिकारी एक बेलोरो लेकर के आया, पांच आदमी से एकाएक वो कहने लगा कि पहचानो कौन था, तो पता ये है वो है कौन था। उसी में हम श्रीमान हम टोक दिए कि क्या बात है, क्या हुआ है। किसी ने कहा तो गाड़ी भर्दी हमको देने लगी, बहुत ज्यादा गाली देने लगा। किसी पदाधिकारी गाली देने लगे आपको, क्या बोले? हाँ क्यों रोका गाड़ी, श्रीमान हमसे भेजे न गाड़ी घोड़ा, तो हम क्या बता सकते हैं। जो रोके भी हैं तो हम ड्यूटी पर हैं, ड्यूटी पर हैं। क्या हुआ तो वो लोग गाली गुल्ला बोलने लगे, गाली बोल भाग जोड़ो, पैर पकड़ो, अभी तुमको जेल भेजा देंगे, साहब को बुला देंगे, कुको बनवा देंगे, नौकरी से भगा देंगे, ऐसे करेंगे, कौन पकड़ो। हम बहुत लड़मोड़ हो गए हुजूर। इसी बीच में हमारा छोटा हुआ इनको भी बर्दाश्त समझ में नहीं आया, ये भी हमको कहा कि जो कहता है सुनो, क्या कहता है, नहीं कहता है। उसी ने हमको कान पकड़ के कहा कि 50 मरते उठो बैठो। जी 50 मरते उठो बैठो। उसके पैर पर क्यों पड़े आप? श्रीमान हमको हाथ ताना घिसा करने लगा, ज्यादा समय भी नहीं दिया, एक बार करके उलझ गया, हम कुछ जानते भी नहीं थे सर। अच्छा ठीक है, आपके साथ जो भी हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। आप चिंता मत करिए, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, सब चौकीदार भी, सब सिपाही भी, सब लोग ये सरकार के अंग है, हमारे अंग है। आप सब लोग मनोबल मत गिराइएगा, जो गलती किया उस पर कार्रवाई सरकार करेगी, लेकिन मनोबल नहीं गिराना है, उत्साह कम नहीं करना है, अपना ईमानदारी से ड्यूटी करना है। घर परिवार में कितने बच्चे हैं आपके? श्रीमान 6 बच्चे हैं, 3 लड़का 3 लड़की। अच्छा सब बच्चों की शादी कर दिए हैं? नहीं श्रीमान, 3 लड़का 3 लड़का बड़ा है, शादी नहीं किया। बड़ा लड़का बीए किए हुआ है, उनसे छोटा बीए किए हुआ है, 3 लड़की है, 3 बेटी इंटर है, छोटा लड़का घर में सब लोग ठीक है ना? जी सर ठीक है। आप चिंता नहीं करिए, दुखी नहीं होइए, लेकिन जो हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, हम आपसे माफी मांगते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए था, हमको इसका बेहद अफसोस है। लेकिन उत्साह मत कम करिएगा, अपना बचाव करिए, कोरोना से बचिए, ड्यूटी ठीक से करिए, सब चौकीदार भाइयों को भी समझाइए कि अपने ड्यूटी ठीक से करेंगे, ठीक है? श्रीमान के आता ठीक है। गणेश भाई आपको बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। जय बीजेपी गुप्तेश्वर पांडे बोल रहा हूँ, समझ गए? जी सर जी, प्रणाम प्रणाम। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।